नहीं पाती इसलिए उसे एक पत्थर लगा। उठा उठली तू उभी राहिली परत बसली गप्पा मारती तू उसे लगा बसून गप्पा मारती है सेना और दक्षिण से मनु सेना मराठों को घेर गई तो हम आसानी से मराठों का सफाया कर सकते हैं। लेकिन इस बात की भनक जब संभाजी महाराज छत्रपति संभाजी महाराज की 20,000 की सेना का बस लेते थे बाबू औरंगजेब की 8,00,000 की सेना को दौड़ा दौड़ा के मारा। जहां पर मुगल मिलते वहीं पर मराठे उन्हें चीर फाड़ कर हम भी मराठा होते। 17वीं सदी में मुगल सल्तनत उससे दो ही चीजों से डर रखता था, पहला जंगल में शेरों से और उसे तो दूसरी तरफ पूरे हिंदुस्तान पर मुगल सल्तनत का परचम का सपना देखने वाला से लाखों की तादाद में मुगल सैनिकों को घोड़े हाथी देकर दखन की तरफ भेजता। मुगल सैनिक आते तो घोड़े हाथी पर लेकिन जाते चार लोगों के तनों पर। मराठों ने किसी को भी नहीं छोड़ा, सबको घसीटा के कारण औरंगजेब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। इसलिए समय आकर उसने मुगल सल्तनत का ताज उतार के फेंक दिया और कसम खाई कि जब तक वो संभाजी महाराज को पकड़ लेंगे तब मुगल सल्तनत का ताज वो अपने सर पर नहीं पहनेगा। और वो दखन में जा उतरा। लेकिन महाराज के सहयात्री पर्वतों की सैर करना मुगलों की हो, दूसरा तूफान और तीसरे मराठे, इन तीनों सहयात्री पर्वतों पर चढ़ना किसी के लिए भी संभव नहीं। कई गरज है कपनी ये उड़े बस है चाप में खुफिया जानकारी मराठों को बता। इसलिए मराठे कहीं से बस लश है जंगलों के बीच में मनु काहे चल ले बब्बी हे बुबली नको पढ़ल तो से थके हारे औरंगजेब को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे लोग के मराठे।